हेम्प यानी भांग एक प्रकार का ऐसा पौधा जिसका प्रयोग सार्थक और निरर्थक दोनों रूप में होता है, लेकिन भारत में इसकी पहचान निरर्थकता के रूप में ही ज्यादा रही है। अब जब इसके सार्थक प्रयोग से दुनिया भर के देश अग्रणी साबित हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत में भी इसके दुरुपयोग को अस्वीकार करते हुए इसके सार्थक प्रयोग के पक्ष में आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में दिल्ली के पीएचडी चैंबर में भारतीय भांग उद्योगों को लेकर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय औद्योगिक भांग संघ के अध्यक्ष रोहित शर्मा और निदेशक डॉक्टर विजय शंकर घोष, श्रीराम संस्थान के निदेशक केएम चाको, जर्मनी से यूरोपियन औद्योगिक भांग संघ के निदेशक डैनियन क्रूसे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर एस के मल्होत्रा, निफ्ट की निदेशिका डॉक्टर वंदना नारंग, निफा लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एस के मुत्रेजा, अप्लाइड बोटेनिकल साइंस की सह संस्थापक तामर विजय, IARI में कृषि रासायनिक विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक एन ए शकील, CABI साउथ एशिया की उपनिदेशक काव्या दशोरा, चंद प्रकाश एंड कंपनी के प्रबंध निदेशक चंद प्रकाश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष शाही मौजूद थे। विशेषज्ञों का कहना है कि भांग को फिलहाल नारकोटिक्स के नजरिए से ही देखा गया। साल 1985 में मादक पदार्थ अधिनियम के कारण कानूनी तौर पर भांग की खेती भारत में नहीं की जा सकती है, इसलिए इसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, इस पर सालों पहले ही रोक लगा दी गई। जबकि आज शोध के जरिए हेम्प के नशा रहित पौधे का विकास किया जा चुका है। अभी तक ये हेम्प का कुछ कल्टीवेशन का कुछ ज़्यादा स्टार्ट हुआ ही नहीं है। 30 साल जो मैंने बताया, 30 साल हो गए हैं इस बात को। 30 साल में जो हमारा रिचुअल प्लांट है उसके अगेंस्ट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, चुनौतियाँ यही है कि सरकार चाहे तो कल हो जाए, नहीं चाहे तो 30 साल तो हो ही गए। सरकार चिंतित है क्योंकि हमको देश में क्या है उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे ना। हम बोल दिया, मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि छोड़ दिया फर्क से, तो कुछ कुछ आदमी ऐसा करेगा इलीगली वो जो वैरायटी है जिसमें ड्रग होता है उसको ग्रो कर सकता है। तो सरकार को स्टेप ठीक है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए जे इंटायर वर्ल्ड सब एडवांस कंट्री चाइना अमेरिका ये भी हेम ग्रो कर रहा है, व्हाई नॉट वी इंडिया शुड ग्रो हेम। मात्र 4 महीने में हेम्प की एक फसल तैयार हो जाती है। हेम्प की खेती में कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी तौर पर देश में भांग की खेती की अनुमति नहीं है, लेकिन ये हिमालय के तराई वाले इलाकों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की जलवायु भांग की व्यवसायिक खेती के लिए आदर्श है। हेम तो इसको बोलता है नेचुरली ग्रीन क्रॉप है ये। ये तो सॉइल को भी करेक्शन कर देता है, इसे ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, इसमें पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हो कीड़ा मारता है ना, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वो भी नहीं लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में अच्छा होता है, यूरिया फॉस्फेट NPK से नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे दो तो ये अच्छा ग्रो करेगा। हेम को यही तो एडवांटेज है, इसमें पानी भी कम लगता है। हेम तो ऐसी एक ऐसा फाइबर है जो इतना स्ट्रांग है कि ऑलरेडी जो फाइबर यूज में है उसको ओवरटेक करने की हर खासियत है इसमें। हिंदुस्तान में नेचुरल फाइबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अपन चाहे घर में आप विलेज में जाएं तो खटिया भी बनाते हैं तो वो नेचुरल फाइबर के बनाते हैं। तो जब ये स्ट्रांग है और इसमें क्वालिटी ज़्यादा है तो नो डाउट लगता यही है कि अगर ये अच्छा तरह से अगर कल्टिवेशन और ये हो जाए तो सभी फाइबर्स को पीछे छोड़ देगा। हमें आप अगर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करें आप देखें तो हमें सिर्फ कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना फाइबर है अवेलेबल है बिना किसी कल्टीवेशन के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो क्लाइमेट है, चाहे वो उत्तराखंड का क्लाइमेट हो, चाहे वो आपका प्लेन एरिया यूपी बिहार का क्लाइमेट हो, हर जगह प्लेन एरिया में ये आराम से उपयुक्त कल्टीवेशन हो सकता है।
भारत की जलवायु भांग के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, इसका आसानी से औद्योगिकरण किया जा सकता है। वैध तरीके से भांग की व्यावसायिक खेती से किसान न केवल आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे और औद्योगिक उत्पादन से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी। भारत सरकार यदि भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देती है तो इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण भारत में एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारी रोजगार पैदा किया जा सकता है। गांव में पुरुषों के साथ महिलाएं भी आमदनी कर सकती हैं। रूरल बेल्ट है, इनका जो ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप से ही रोजगार निकलती है और इसकी जो हेम्प की प्रोसेसिंग भी है वो भी अपन रूरल बेल्ट में कर सकते हैं और जो विलेज में ही इसकी प्रोडक्शन भी हो सकता है और इसका यूज़ भी हो सकता है। और इसमें ज़्यादातर जो काम करती है अपने इंडियन एरिया में वो ज़्यादातर लेडीज़ है। ये जो लेडीज़ है जो घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई की सब कुछ देखना पड़ता है, इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, इनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि इनके लिए एक रेवेन्यू का अच्छा सोर्स होगा और उससे जो रूरल बेल्ट की जो है तरक्की बढ़ेगी, स्पेशली वीमेन फ्लॉक की जो सबसे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। हेम्प आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में जंगली पौधे के रूप में प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। इसके बीज से लेकर टहनियों, पत्तों तक सभी की उपयोगिता है। अब दुनिया के अनेक देशों में इसकी व्यावसायिक खेती पर औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, ऊर्जा, कार के कलपुर्जे व फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है। इसके पत्ते में न केवल बड़े पैमाने पर फाइबर पाया जाता है बल्कि इसमें 9 प्रकार के अमीनो एसिड, भारी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ए, बी और सी भी पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा हेम्प के बीज में पाई जाती है। साथ ही विकसित देश इसका प्रयोग कैंसर मरीजों के इलाज के लिए भी कर रहे हैं, जो सस्ता होने के साथ साथ बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। बावजूद इसका प्रयोग इतने तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रयोग कई रूपों में होता है। इसके फाइबर बहुत ही उपयोगी है। भारत में पैदा हो रहे जूट कपास की तुलना में अधिक टिकाऊ और उपयोगी है। ये पर्यावरण के लिहाज से भी इको फ्रेंडली है। फैब्रिक बनता है, ये जो फाइबर है उससे कमीज बनता है, डिफरेंट साइज कमीज बनता है। उसमें जो सीड है उस सीड से ऑयल बनता है। अच्छा, ऑयल से और कुछ चीज़ें बनता है, क्या सोप बनता है, बॉडी केयर आइटम्स या मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनता है, बहुत सी चीज बनता है। ये हम मेन आइटम को हम बता रहे हैं आपको। और अब तो मेडिसिन बन रहा है, CBD हमको बताया आपको पहले, CBD कैनाबिडायल, ये से आपको कैंसर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। डायरेक्टली इट्स नॉट ए क्यूरेटिव ड्रग बट इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसको यूरोप में चालू हो रहा है CBD। इस फाइबर के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं सिवाय एक इलास्टिक रिकवरी को छोड़ के कॉटन से फार बेटर है और यही एक ऐसा फाइबर है जिसको हम इजीली ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। आज की इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बेसिक फाइबर है उसमें हमेशा हम इको के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कैटेगरी में ये इंडस्ट्रियल हेम्प फाइबर पूरी तरह से उपयुक्त है। ये हमारे कैंसर के ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन में बहुत बड़ा उपयोग है, जिसको CBD एक बहुत बड़ा उपयोग है कैंसर के ड्रग्स को बनाने के लिए और इसको जो है सरकार काफ़ी समय तक अनदेखा नहीं कर सकती। कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा है और उस प्रक्रिया में ये एक बहुत लाभदायक और नेचर से मिला हुआ है। जैसे 25,000 प्रोडक्ट बनते हैं, हेम्प फाइबर निकलता है, सीड ऑयल होता है और हेम्प फाइबर से BMW के पार्ट्स बना रहे हैं, मर्सिडीज़ के पार्ट्स बना रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फिर सीड के ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, Omega-369 रिच ऑयल है इसका, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और इंडिया में वैसे भी माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है और हमारे को ऐसे सीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है जो माल न्यूट्रिशन को कम करे। इसमें वो है
जो कि आपको मिलता है ओमेगा 369 रिच, उसके अलावा आपको फाइबर जो मिलता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर है इसका, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सेल बोट के सेल बनते हैं, रोप्स बनते हैं। मेडिसिनली इस पर बहुत काम हो चुका है, CBD में कैंसर इस पर क्योर कर रहे हैं, बच्चों की एपिलेप्सी इस पर ठीक हो रही है, और ऐसे बहुत सारे इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे को इंडिया को जगना चाहिए। भारतीय औद्योगिक भांग संघ के अनुसार कई देश हेम्प से सौंदर्य प्रसाधन, खासकर साबुन और लोशन आदि का निर्माण करते हैं, जबकि चीन और कनाडा में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तैयार की जाती हैं। इटली, जर्मनी, रोमानिया, अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, वहीं चीन इसमें सबसे अग्रणी देश है। दो किस्म का होता है, एक ड्रग वाला है पेड़ और एक प्रेम नया ब्रीड कर गया है जिसको हम बोलता है कैनाबिस सटीवा, उसमें ड्रग बहुत कम है। देखिए चाइना में हेम्प ग्रो कर रहा है, अमेरिका भी शुरू कर दिया अभी, और यूरोप में होता है, पुराना यूरोप में आर्सवाइल जो सोवियत रशिया था वहाँ हेम्प बहुत होता था, अभी होता है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, UK, यूरोप हेम्प ग्रो कर रहा है, वहाँ बैन नहीं है। एक एकड़ में हेम्प की खेती से 3 से 8 टन तक फाइबर तैयार हो सकता है। लकड़ी की तुलना में भांग से प्रति एकड़ अधिक लुगदी तैयार की जाती है, जिससे हर गुणवत्ता का कागज और कपड़ा तैयार किया जा सकता है। भांग से बने कागज की एक विशेषता ये है कि ये कभी पीला नहीं पड़ता। इसके कपड़े बहुत ही टिकाऊ होते हैं। चाइना इसका प्रयोग सबसे अधिक करता है। सेना के जवानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। हजारों साल पहले कपड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। आज आपने सुना कि हेम्प में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 2,500-3,000 साल पहले से गारमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है। तो इसके कपड़े बनाने से, और क्वींस और राजा रानियां पहनती थी ये कपड़े, तो हम आज भी इसके लिए कपड़े बना सकते हैं, और इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल फैशन में काम करेगा। हम इसको फैब्रिक लेके अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, ताकि क्योंकि 80% डिज़ाइनर्स इस कंट्री के, भारत के निफ्ट से हैं, हम ये फैब्रिक उनको दे के इसके कलेक्शन बनवाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आज सरकार भी इसकी बढ़ती जरूरतों को लेकर चिंतित है कि कैसे इसकी पैदावार की जाए। फिलहाल इस बीच राहत भरी खबर ये है कि इन जरूरतों पर गौर करते हुए उत्तराखंड सरकार ने विशेष इलाकों में इसकी बुआई करने की छूट दी है, लेकिन इसके उत्पादन को केवल सरकार ही खरीद सकती है।